आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। अभी एक सुपरवाइजर जो थी उन्होंने बताया कि हम मनीष सिसोदिया को हाथ दिया, उनकी गाड़ी के सामने हम खड़े हुए तो वो अपनी आंखें बचाकर यहाँ चले गए। तो मैडम आपका नाम? सर मेरा नाम ममता है। आप किस प्रोजेक्ट से हैं? उत्तम नगर प्रोजेक्ट से हूँ मैं। उत्तम नगर, आप क्या मांग, किन मांगों को लेकर आई हैं आप? सर हम यहाँ पर अपनी मांगे लेके, जो हमारे LDC SA हमारी सुपरवाइजर्स जो भी 11 के यहाँ 15 के 16 के पीयून सारे एक साथ यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं। एक तो इनको परमानेंट किया जाए, दूसरा है इनको जो हमारी 64 लड़कियों को निकाला गया है उनको लिया जाए, प्लस जो हमारे जितने भी लोग हैं 7 साल 8 साल से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई आज तक, वो रेगुलर काम कर रही हैं, उनके जो काम है वो उनसे सख्ती से काम लिया जाता है, बायोमेट्रिक करनी है, सुबह करनी है, शाम करनी है। परमानेंट वालों के साथ कुछ ऐसा नहीं है, ठेकेदार वालों के साथ हमेशा ये कि ठेकेदार वाली हैं, इनको बायोमेट्रिक करनी है, सुबह करनी है, शाम करनी है, इनको 24 घंटे बुलाना है, काम भी जम के लेना है, सारा काम करवाना है और पेमेंट भी टाइम पर ही देनी, उसके बाद से आपको निकाल भी देना है। कोई इनके रूल रेगुलेशन कोई भी हमारे लिए नहीं है। सब ये सोचते हैं कि ठेकेदार हैं, इनका तो कुछ आता पता है नहीं, इनको कभी भी लो कभी भी निकालो। और ये जो हमारे CM जी बैठे हुए हैं, इन्होंने ये आए किस बेस पे थे? इन्होंने जब ये आए थे हमारे पास तो ये घर घर जाके इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि जी हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, सबको हम लेकर आएंगे। और आज की डेट में हम तो उन्हीं की बातें कहे हुए उनसे मांग रहे हैं, हमने तो कोई बाहर से कोई चीज़ मांगी नहीं, हमने तो कुछ उनसे एक्स्ट्रा कहा नहीं, उन्होंने जो कहा था हम तो वही कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को पूरा करो। हमारे जितने भी लोग हैं LDC SA पीयून जो हमारी वर्कर्स हैं, जो हमारी चाहे वर्कर थी स्ट्राइक पे, चाहे हमारी सुपरवाइजर है, चाहे हमारे LDC, चाहे 2016 2015 चाहे 2014, इन सबको आप वापस लो, इनको परमानेंट करो और इनकी सैलरी को बढ़ाओ और इनकी सेम पे और सेम जो इनका काम होता है उसके आधार पर देखते हुए इनके सारे काम को देखा जाए, ठीक है? इनसे हमने कुछ अलग से तो नहीं कहा ना सर, तो ये क्यों हमसे मिलने के लिए बना कर रहे हैं, क्यों नहीं बाहर आ रहे, क्यों हमको बार बार कतरा रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं ये क्या कि 6 महीने की लड़कियां थी, इन 6 महीने वाले को मैं परमानेंट करूंगा, ये बातें ये बोल रहे हैं। ये लड़कियां 6 महीने की थी, ये साल 2016 वाली इनको साल 365 से अबव हो गए और आज इनको बिना बताए आप अलग कर रहे हो। अरे आप इस देश के हो, आप इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए आए हो, बिगाड़ने के लिए आए हो? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात आ गई, अपनी बेटियों को रोड पे आपने लाके बैठा दिया, कौन सी बेटियां बचा रहे हो आप, कौन सी बेटी बचा रहे हो आप? मैडम ये नारा तो केंद्र सरकार का है और आप दिल्ली सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार चाहे केंद्र सरकार, सर ये कहते तो जरूर है कि हम ना हमारे ये वादे जब करने के बाद ठेकेदारी प्रथा को मोदी सरकार ने बोला मैं बंद कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार कहती है मैं बंद कर रही हूँ। अरे कोई तो बंद करो, सारे लोग की एक ही बात है, सब मिले जुले लोग हैं ये लोग। मेनका गांधी का जो मेनका गांधी ने इन्होंने एक बात मेनका गांधी की, जितनी हमारी जो वर्करें हैं उनको हम सुपरवाइजरें बनाएंगे, ये बात अभी लेटेस्ट न्यूज में भी है, मगर आज ये 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल वाली जो वर्करें हैं आज सुपरवाइजर गई, तब मेनका गांधी कहाँ है, क्यों नहीं इनको परमानेंट करती है, क्यों नहीं लगाती है? अपने वादे से तो लोग मुकर रहे हैं। किसी वर्कर है, किसी सुपरवाइजर ने, किसी LDC या किसी SA PO ने वो कोई चीज नहीं मांगी है जो इनके इन्होंने नहीं कहा, वही चीज आज मांगी गई है जो इन्होंने वादा किया था। तो ठेकेदारी प्रथा बंद करो, हमको परमानेंट करो और हमारी नौकरी वापस दो।